वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज के वीडियो का टॉपिक है कि टेलीप्राइम में जितने भी फंक्शन की हैं उसका हम यूज किस तरह से करेंगे, और ये बिगनर्स के लिए है जो स्टार्टिंग से टेलीप्राइम की जानकारी लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। उसके लिए मैंने पहले से कुछ फंक्शंस और उनके वाउचर टाइप का फॉर्मेट बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्ट F2 और F2 दोनों का क्या फंक्शन है, F4 कंट्रोल F4 का क्या फंक्शन है, F5 और Alt 5 का क्या फंक्शन है, ये सारे Alt कंट्रोल और F7 प्रेस करने से कौन से फंक्शन एक्टिवेट होंगे, इस सारे के बारे में वन बाय वन करके मैं आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F2 का ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन हम वाउचर के अंदर F2 का यूज कैसे करेंगे आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे के सारे शॉर्टकट जो भी हाईलाइटेड हैं सारे इनके शॉर्टकट हैं, ये सारे CAH आप देख रहे हैं, ये जितने भी हाईलाइटेड हैं उसको प्रेस करने पे आपको उससे रिलेटेड फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वाउचर टाइप पे ओपन करने के लिए क्या करूँगा, वी प्रेस करूँगा। वी प्रेस करते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं वन बाय वन करके सारे फंक्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन होंगे जो अभी तक एक्टिवेट नहीं दिए होंगे, जैसे कि मैं इसके अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीरियड अगर चेंज करना है प्रॉपर, पीरियड मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 1 ईयर की, तो आपको इसके लिए वन लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब कीबोर्ड से अल्ट और F2 प्रेस करना है, अल्ट ALT अल्ट F2 प्रेस करना है, और सिर्फ डेट चेंज करना है पर्टिकुलरली, जैसे कि 31 मार्च में है और मुझे अगर मान के चलिए 1 अप्रैल में करना है तो 1 अप्रैल यहाँ वन प्रेस करेंगे 1 अप्रैल में, 2 अप्रैल जाना है तो प्रेस करिएगा यहाँ से 2 अप्रैल, 5 अप्रैल में जाना है तो प्रेस करिएगा 5 अप्रैल में हम जाए, ये प्रॉपर डेट चेंज करने के लिए है। और अल्ट F2 जैसे ही आप चेंज करिएगा यहाँ पर आप प्रेस करिए अल्ट F2, मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ कह रहा है आपको कितने मंथ तक का सिलेक्ट करना है, वो पीरियड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये फंक्शन है। कंपनी में आ जाते हैं F3 में, F3 में करा है कंपनी आपको ओपन करना है, क्या करना है, तो यहाँ से F3 आप प्रेस करके देख सकते हैं ये कंपनी आपकी खुली हुई है, उसके बारे में आपकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, यहीं पे अगर आप सेलेक्ट कंपनी करना चाहते हैं ऑल्ट F3 प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आपके पास ओपन हो जाएगी, आप इसमें से जो भी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑल्ट F3 प्रेस करने से होगा। और दूसरा शट डाउन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल F3 प्रेस करिए, कंपनी शट डाउन हो जाएगी। ओके, एक बार इंटर करिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये यही फंक्शन है। कॉन्ट्रा का एंट्री क्या होता है, F4 है शॉर्टकट किसका, F4 आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का काम क्या है कि बैंक से कैश और कैश से बैंक का ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे, जैसे कि यहाँ के SBI है तो यहाँ पर मैंने SBI में कैश डिपॉजिट किया, जमा करवाया, तो यहाँ पे मुझे SBI टू कैश डिपॉजिट करना है 5000 रुपया, तो यहाँ पे आप इस तरह से कॉन्ट्रा का एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ कैश आपने डिपॉजिट किया तो ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नहीं आएंगे तो आप यहाँ से शो मोर पे क्लिक करिए, एंटर करिए, यहाँ कैश जमा कर रहे हैं या जो भी कुछ जमा कर रहे हैं आप वो फंक्शन यहाँ से ले लीजिए, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो अदर कर दीजिए और इसे आप सेव कर लीजिए। ओके, किसी को पेमेंट कर रहे हैं SBI में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उस पोजीशन में, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, आपको F4 प्रेस करना है। ओके, F4 प्रेस करना है कैश से बैंक और बैंक से कैश ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि मैं बैंक SBI में जमा कर रहा हूँ तो SBI टू कैश। ओके, करूँगा 5000 रुपये मैं डिपॉजिट अगर कर रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश का ऑप्शन ले लिया, इनकेस अगर नहीं आए डायरेक्ट आप इस पर आ गए हैं अमाउंट पे, तो आप बैक स्पेस से एक बार बैक चले जाइए और यहाँ पे कैश का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप जा करके इसे सेव कर सकते हैं। जैसे ही अमाउंट डाल करके इंटर मारिएगा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डिनोमिनेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो भी कैश जमा किया है उसमें से 2000, 1500 के कितने कितने अमाउंट थे, वो आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मान के चलिए मैंने 2000 के दो थे तो 4000 यहाँ हो गया, 500 के थे दो तो 5000 रुपया हो गया। अब आप यहां से एंटर करके
यहाँ पे बीइंग कैश डिपोजिटेड इन टू द बैंक करके सेव कर सकते हैं। तो कैश फोर का एफ फोर का कॉन्ट्रा का यही एंट्री है। ओके अब आ जाइए पेमेंट पे एफ फाइव। एफ फाइव के अंदर मैंने बहुत सारे वाउचर टाइप बना रखे हैं, इसलिए ये पूछ रहा है कि इसमें से आप किस में पेमेंट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस में या वगैरह वगैरह, जो भी वाउचर टाइप आपका होगा जिससे रिलेटेड होगा उसमें। अगर ये वाउचर टाइप नहीं बने रहेंगे और एफ फाइव प्रेस करिएगा तो सीधे आपको ये पेमेंट वाला जो मोड है वही ओपन होगा डायरेक्ट एफ फाइव प्रेस करते ही। लेकिन वाउचर टाइप बने रहेगा तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके कौन सी वाउचर टाइप लेना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कैश से किसी को पेमेंट करना है, मैंने कुछ खर्चे किए वगैरह जो भी, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कंप्यूटर इक्विपमेंट में मैंने 500 रुपया खर्चा किया तो इसके लिए आप एफ फाइव से पेमेंट कर सकते हैं। ओके बैंक से आपने पेमेंट किया तो आप जिस बैंक से पेमेंट किया उस बैंक को सेलेक्ट करके, जिस पार्टी को पेमेंट किया कंप्यूटर एक्सपेंस टू डायरेक्ट इक्विपमेंट तो खर्चा करेंगे नहीं, तो किसी पार्टी के थ्रू लेंगे। जिस पार्टी से आपने परचेज किया है कंप्यूटर से रिलेटेड सामान, आप उस पार्टी को और जनरल एंट्री पास करिए कंप्यूटर एक्सपेंस से, और फिर एफ फाइव करके बैंक या कैश के थ्रू आप उसे पेमेंट कीजिए। तो एफ फाइव का फंक्शन इसीलिए यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट आते हैं इसी एफ फाइव के अंदर, आप साइड में देख रहे हैं एरो बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही यहाँ पे पूछा है पेमेंट और डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज हम करते हैं किस अगेंस्ट में, सेल और परचेज के अगेंस्ट में डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम आगे चल करके इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके तो आइए पहले अभी पेमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन डेबिट नोट पे अगर आपको जाना होगा तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ऑनलाइन होगी तो अल्ट प्रेस करके आपको एफ फाइव प्रेस करना है। एफ फाइव प्रेस करते ही डेबिट नोट और परचेज रिटर्न की एंट्री बनी हुई है। डेबिट नोट का यूज हमेशा परचेज रिटर्न के लिए होता है, तो वाउचर टाइप बना हुआ है इसलिए आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेगा तो एक ही ऑप्शन आएगी। ओके तो डेबिट नोट का ऑप्शन आ गया। ओके तो यहाँ से परचेज रिटर्न की एंट्री आप डेबिट नोट के लिए करेंगे। तो फिलहाल हम इसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं एफ सिक्स पे रिसिप्ट। रिसिप्ट में मैंने बहुत सारे वाउचर टाइप बना रखे हैं इसलिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो फिलहाल मुझे एफ इस पे आना है और रिसिप्ट करना है। मान लीजिए किसी ने मुझे कैश दिया किसी पार्टी ने, ओके कैश मेरे पास डिपॉजिट करवाया, तो कैश टू पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके तो ये अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये डेबिट किसे करेंगे क्रेडिट किसे करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं F12 का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके यहाँ पे जैसे ही आप कहीं पे इसको बैक करिए एक बार और इसे यस कीजिए, और यहाँ पे आपके पास होगा सिंगल एंट्री मोड सिस्टम, इसको चेंज करके आपको डबल एंट्री मोड में जब जाएंगे तो फिर ये डेबिट और क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन आपको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन शो होगा। तो फिलहाल बहुत सारे आदमी आजकल इसी तरह का ऑप्शन चूज करते हैं कि मुझे यहाँ पे बैंक या कैश सेलेक्ट करना है, बाकी जो कुछ करना है नीचे ऑप्शन ऑटोमेटिक सारी लेजर आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उससे रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कि एक मैं कैलाश नाम का है, उससे मैंने 50,000 रुपया कैश एडवांस के तौर पर रिसीव किया, उन अकाउंट या एजेंट रेफरेंस जो भी देना है एजेंट रेफरेंस करेंगे, तो जब वो आपसे कुछ सामान लेगा तो उसी एजेंट रेफरेंस के एवज में आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी पड़ेगी। इस सब के बारे में मैंने जानकारी वीडियो में दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो टैली प्राइम टैली ईआरपी नाइन से रिलेटेड और अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं वन बाय वन करके किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री होगी, कैसे बैंक की एंट्री होगी। एडवांस लेवल पे सारे डेबिट क्रेडिट नोट की आप देख सकते हैं एंट्री भी मैंने कर रखी है, तो यहाँ से चल करके आप ये सारे वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरह से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके तो हम रिसिप्ट के बारे में जानकारी ले चुके हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में हम पहले भी बता चुके हैं, अभी अभी पेमेंट के बारे में बताए थे कि अगर कोई भी कंप्यूटर या किसी भी
इसी पार्ट को आप ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी पार्टी से लेते हैं, उसके जब आप बैंक के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू आप भोजा टैप में आ जाइए, F7 में, F7 जनरल एंट्री बैंक के थ्रू। अब मैं यहाँ पे एक करके ही आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए इसमें से किसी एक पार्टी को मैं सेलेक्ट कर लिया, ओके, और मैंने उससे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर इक्विपमेंट से रिलेटेड मैंने कोई सामान परचेज की, ओके, 5,000 रुपया का ABC ऑटो से, ओके। अब मुझे ABC ऑटो को पेमेंट करना है बैंक, तब मैं यहाँ क्या करूँगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट टू ABC तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसी पोजीशन में मुझे जनरल वाउचर की एंट्री पास करनी होगी। कंप्यूटर मेरा क्या है, खर्चा है, इसलिए मैंने इसे डेबिट कर दिया, और ये मेरा क्रेडिटर है इसलिए मैंने इसे क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे नरेशन आप लिख दीजिएगा। और फिर जब इसे कंट्रोल इसे सेव कर देता हूँ, और जब मुझे ABC को पेमेंट करना होगा, तब हम फिर यहाँ पे F5 पे पेमेंट के बारे में F5 प्रेस करके SBI बैंक में आएंगे, और ABC को सेलेक्ट करके इसे हम 5,000 रुपये का जो इक्विपमेंट मैंने परचेज किया है वो यहाँ पे दे करके, और यहाँ नरेशन हम लिख देंगे बाई चेक या NEFT, जिससे भी आपने पेमेंट किया क्लियर हो जाएगा। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट एक्सपेंस भी आपका आ जाएगा, और जनरल वाउचर भी पास हो गई, और F5 से आपने पेमेंट भी कर दिया, एक साथ दोनों काम हो गए। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे रिसिप्ट में भी आप साइड में देख सकते हैं, जिस तरह से पेमेंट में डेबिट नोट दिया हुआ है, उसी तरह रिसिप्ट में भी आपको क्रेडिट नोट दिया हुआ है, जो कि सेल अगेंस्ट के बदले में दिया जाता है। आप देख लीजिए, जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट जो भी बनाना चाहे उसके अगेंस्ट में आप इसे दे सकते हैं, क्रेडिट नोट का यूज करेंगे। तो सेल परचेज पे अभी हम आएंगे, तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट वाउचर पे यहाँ क्या दिया है, F8 प्रेस करना है, F8 सेल की है। अब इस सेल वाउचर टाइप किस तरह से बनाएंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, पहले भी बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप हेड प्रेस करते ही यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस तरह की सेल की एंट्री करनी है। तो जिस तरह की सेल की एंट्री करनी होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आपको सेल तो मैंने प्रेस किया, लेकिन सेल की एंट्री नहीं दिख रही है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से चल करके हम आपको बताते हैं सेल का वाउचर टाइप क्यों नहीं आया। तो हम यहाँ से अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, और सेल वाले ऑप्शन में आएंगे, ओके। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव दिस वाउचर टाइप, ये जो है इसको आपको करना है यस, और उसके बाद आप कंट्रोल इसे सेव कर लीजिए, और फिर हम लोग चलेंगे वाउचर टाइप पे, और वाउचर टाइप पे अब आप एक प्रेस कीजिए, और देखिए आपका ये सेल वाला वाउचर टाइप ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप उस वाउचर टाइप को नो रखिएगा, तो फिर ये ऑप्शन आपको जो इसका डिफॉल्ट है वो दिखाई नहीं देगा। अब हम सेल पे आ चुके हैं, F8 प्रेस के सेल पे आ चुके हैं। अब सेल में F8 के बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला फंक्शन तो आप ये है, आप देख रहे हैं कि पार्टिकुलरली पार्टी का सेल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टिकुलरली आप क्या सेल करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ सेल पे जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, इंट्रास्टेट या जो भी कुछ, मान के चलिए मैं यहाँ पे लुब्रिकेंट सेल कर रहा हूँ 55,000 रुपये की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके आ गया है इंट्रास्टेट लुब्रिकेंट सेल, इंट्रास्टेट मतलब लोकल, हाँ ओके। तो लोकल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, CGST आउटपुट 14% नहीं, लुब्रिकेंट पे 18% लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आउटपुट 9% CGST, तब ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक लेगा, आउटपुट SGST 9%, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ले लिया, ओके। यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये पूरा पूरी 55,000 रुपया आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये तो हो गया कि आपको लेजर वाइज अगर एंट्री करनी है, तब जब अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पे आइटम वाइज एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए मुझे यहीं से फंक्शन को किस मूड में ले जाना है, कैसे ले जाना है, इसके बारे में मैं आगे चल करके आपको जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सारे फंक्शन का यूज हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने ये एंट्री कर ली, ओके, 5 अप्रैल में, और मैंने इसे कंट्रोल से सेव भी कर दिया। अगर मुझे इसी आइटम को रिटर्न करना है, तब हम यहीं पे सेल में जा करके आप देख सकते हैं कि सेल में डिलीवरी नोट ऑफ सेल है, तो सेल के
अगेंस्ट में अगर मुझे रिटर्निंग करना है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि उसका फंक्शन आपको क्रेडिट नोट या ऑल टैब 6 प्रेस करना होगा, और इसे चाहे सेल रिटर्न रखिए या क्रेडिट नोट में रखिए, ओके। और जिस भी पार्टी को आपने अभी सेल किया है उसे हम यहाँ से रिटर्निंग दिखाएंगे तो वो हमें क्रेडिट नोट में शो होगा, ओके। तो क्रेडिट नोट का यूज इस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए सेल रिटर्न लुब्रिकेंट मैंने सेल किया था लोकल इंटरेस्टेड लोकल लुब्रिकेंट 50,000 रुपये की 55,000 की, ओके। और यहाँ से मैं उसे क्या करूँगा CGST 9% और SGST 9% लेकर के राउंड ऑफ, और हम यहाँ पे ऑन अकाउंट कर देंगे। और फिर हम चलेंगे यहाँ से अभिषेक का लेजर था ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों सेम ही पार्टी का जब आप सेल और करेंगे तभी ये अभिषेक या किसी और पार्टी में किया है मैंने, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कौन से लेजर में है। लेजर में चलते हैं और यहाँ पे हम लुब्रिकेंट सेल किया है ना, तो लुब्रिकेंट सेल में आ जाएंगे। और मैंने अप्रैल में किया है, अप्रैल का यहाँ से ओपन करेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैंने सेल किया 5 अप्रैल में और उसी डेट में मैंने क्रेडिट नोट उसे दे दिया तो ये कैंसिल हो गई बिल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 बैलेंस इनका आ चुका है। इस तरह से हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज करने के लिए क्या करेंगे, F8 से सेल करेंगे और ऑल्ट F6 से क्रेडिट नोट का रिफंड दिखाएंगे, यानी कि कैंसिल करेंगे या क्रेडिट नोट देंगे बिल के अगेंस्ट में, ओके। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब वाउचर टाइप में क्या है, परचेज वाउचर। परचेज वाउचर की एंट्री हम कोई भी माल परचेज करने के लिए लोकल या इंटर स्टेट माल जब हम परचेज करेंगे तो उसका मैंने वाउचर टाइप बना रखा है। आप भी इस तरह से बिल्कुल बना सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट करके वाउचर टाइप बना सकते हैं उसे परचेज के अंदर रख के। ये किस तरह से बनाए हैं इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो परचेज की यूज हम चाहे इंटरेस्टेड या लोकल में जहाँ भी करेंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे पार्टी को जिससे माल परचेज करते हैं। लोकल करते हैं तो लोकल पार्टी को, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भी लोकल नहीं है, ABC को मैं तत्काल ले लेता हूँ। और जो भी माल आप लुब्रिकेंट परचेज अगर करते हैं तो इंटरेस्टेड लुब्रिकेंट का लेजर किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इससे की जानकारी भी मैंने दे रखी है पहले से। 5,000 रुपये की मैंने लुब्रिकेंट परचेज की तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आप देख सकते हैं ले लिया है। यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट करेंगे CGST, ओके। लेकिन ये यहाँ नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि ये पार्टी जो है लोकल है या रजिस्ट्रेशन नंबर इसका नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हम परचेज की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ बाकी सारे ऑप्शन ये डीएक्टिवेट हैं, इसको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे इससे सारे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सारी जानकारी देंगे। तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह की वीडियो जो भी अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।